हेलो एवरीवन, आपने ये तो अक्सर सुना होगा कि आपको एक अच्छे फ्यूचर के लिए यानी अपनी जॉब और प्रोफेशन के लिए एक अच्छी डिग्री की ज़रूरत होती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि आपके अंदर स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस बदलते दौर में ना सिर्फ एक अच्छी डिग्री के बेस पर ही आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, बल्कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको बेहतर बनाती हैं तो आप उनकी मदद से भी अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। और अगर इन्हीं स्किल्स में आपको ये पता चल जाए कि कौन सी वो स्किल्स हैं जिसमें आपको एक अच्छा खासा पे आउट भी मिलता है, तो आप उन्हीं सभी स्किल्स को खुद में डेवलप करके अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। स्किल्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ आपको आपकी डिग्री के साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा स्किल बेस पर भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसे स्पेसिफिक स्किल बेस पर ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है। हाई डिमांडिंग स्किल्स सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स दोनों हो सकती हैं, और इंडस्ट्रीज में ऐसी स्किल्स को रखने वाले कैंडिडेट को कंपनीज अच्छा सैलरी पैकेज भी ऑफर करती हैं। तो चलिए अब हम ऐसे टॉप 10 हाई डिमांडिंग स्किल्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये स्किल मोबाइल में एप्लीकेशन डेवलप करने, प्रोग्रामिंग और प्रोसेस से जुड़ी है। इसके लिए आपके अंदर कुछ एबिलिटीज का होना जरूरी है, जैसे मोबाइल डिजाइनिंग इंटरफेस, ग्राफिक डिजाइन, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग। इन एबिलिटीज के साथ आपको जो हाईली पेड जॉब ऑफर होती हैं उसमें से कुछ जॉब्स हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसमें दूसरा है सेल्स लीडरशिप। ये वो स्किल है जो रियल एस्टेट, फाइनेंस सर्विस और टेक्नोलॉजी जैसी किसी भी इंडस्ट्री की सेल्स से प्रॉफिट और ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट करने की एबिलिटी रखती है, और ये स्किल डायरेक्ट कंपनी के प्रॉफिट से कनेक्ट करती है। इस स्किल्स में आपके अंदर कुछ एबिलिटीज इंक्लूड होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। इस स्किल्स के साथ आपको सेल्स डायरेक्टर, सेल्स मैनेजर और सेल्स इंजीनियर जैसी हाई पेड जॉब ऑफर की जाती है। तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हाईली डिमांड के साथ साथ फ्यूचर रेडी स्किल भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इसमें कुछ एबिलिटीज की नीड होती है, जैसे मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग और स्टैटिस्टिक। इन स्किल्स के साथ आपको डेटा इंजीनियर और एल्गोरिदम जैसे हाईली पेड करियर मिलते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 टाइप होते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम की नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी हार्ड स्किल्स की जरूरत होती है। इन स्किल्स की जरूरत क्लाउड आर्किटेक्चर्स और क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसी जॉब्स के लिए होती है। नेक्स्ट स्किल है एनालिस्ट। कंपनी के स्मूथली वर्क करने के लिए डेटा एनालिस्ट, टेक्नोलॉजी एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट की जरूरत होती है, और एक एनालिस्ट को एक्सक्यूएल, सास, पावर बीआई जैसी टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें फाइनेंस की बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट स्किल है पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट की ये स्किल ग्रुप को लीड करने और टीम को सुपरवाइज करने के काम आती है। इसमें कम्युनिकेशन, लीडरशिप जैसी सॉफ्ट स्किल्स भी आती हैं। इन स्किल्स की डिमांड फाइनेंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी फील्ड में ज्यादा होती है। नेक्स्ट स्किल है फाइनेंस प्लानिंग। किसी भी कंपनी के लिए बेस्ट से बेस्ट फाइनेंस ऑप्शन चूज करने के लिए फाइनेंस प्लानिंग की जरूरत होती है। इसके साथ आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, एनालिस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का होना जरूरी होता है। इन स्किल्स के साथ आपको फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंशियल प्लानर जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। नेक्स्ट है ऑडियो प्रोडक्शन। ऑडियो प्रोडक्शन में ऑडियो रिकॉर्डिंग और साथ ही एडिटिंग होती है। इन स्किल्स की डिमांड म्यूजिकल और फिल्म इंडस्ट्रीज में होती है। इसमें सॉन्ग राइटिंग, एडिटिंग और म्यूजिक मिक्सिंग जैसे काम होते हैं। इस स्किल की रिक्वायरमेंट साउंड इंजीनियर और ऑडियो इंजीनियर जैसी जॉब में होती है। नेक्स्ट है वीडियो प्रोडक्शन। किसी भी वीडियो कंटेंट को बनाना वीडियो प्रोडक्शन के अंडर ही आता है, और साथ ही वीडियो कंटेंट को कैप्चर करना और साथ ही एडिटिंग करना, वीडियो क्लिप्स को रेडी करना, ये सारे स्टेप्स होते हैं। वीडियोग्राफर, वीडियो प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट जैसे जॉब्स में इन स्किल्स की डिमांड होती है। इसमें जो लास्ट स्किल आती है वो है डिजिटल मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट और इंट्रोड्यूसिंग स्टेप होता है, और इसी के चलते अब डिजिटल वर्ल्ड में खुद को इंट्रोड्यूस करना डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत सारी एबिलिटीज की जरूरत होती है, जैसे डेटा एनालिस्ट, राइटिंग और एडिटिंग स्किल्स, और इसके अलावा एसईओ, एससीएम, सीआरएम स्किल्स के साथ ईमेल मार्केटिंग और पेड सोशल मार्केटिंग की भी जरूरत होती है। इस स्किल के साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, कॉपीराइटर और ई कॉमर्स मैनेजर जैसी जॉब ऑफर की जाती हैं। तो दोस्तों, ये वो टॉप 10 डिमांडिंग स्किल्स हैं जिसे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग खुद में डेवलप करके अपने लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। आपका टैलेंट और आपकी स्किल ही आपके फ्यूचर में काम आ सकती हैं, जो कि इनकी डिमांड टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।